संजय जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज के सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं राजीव जोशी अंकल और मंजरी जोशी आंटी। राजीव अंकल, सत्संग की शुरुआत करें। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को भी प्रणाम। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आज ये मौका दिया है फिर से इस सत्संग का। आज मन में कई विचार आ रहे थे कि गुरु जी ने एक संगत के तौर पे हमें सेवा बख्शी होती है और हमारा कल्याण ही होता है जब हमें सत्संग के लिए कहा जाता है, क्योंकि गुरु की उस्तत करना, गुरु जी कहते थे कि सारे जितने भी पाठ है सबसे ऊपर है गुरु की उस्तत करना, द प्रेज ऑफ गुरु। और सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। और ये बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि आज सत्संग में मैं अपनी जो जर्नी, लाइफ जर्नी, जो गुरुजी के साथ एक्सपीरियंसेस हुए, वो नई संगत के साथ, जो नई संगत जुड़ रही है आज और जो गुरुजी की संगत है उनके साथ शेयर करने का मुझे ये मौका मिला है। क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, दैट इज लिमिटेड टू ओनली द फाइव सेंसेस विच हैज बीन गिवन टू द ह्यूमन बीइंग्स, तो उसमें कई त्रुटियां हो जाती हैं। शब्दों का इस्तेमाल कई बार हम चाहते तो हैं सही उनको करना, लेकिन हम सही तरीके से कोई कई चीजों को बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। तो मेरा ये मेरी एक विनम्र विनती है सारी संगत से कि वो क्षमा करें मुझे अगर कोई त्रुटि हो मुझसे गुरुजी की उस्तत करने में। गुरुजी को साक्षात्कार उनके दर्शन किए थे 2005 में और मंजरी पहले ही गुरुजी के शरण में थे 1996 से। और मेरा जाना हुआ शादी के बाद और तब गुरुजी छोटे मंदिर में, जो एम्पायर स्टेट जिसे हम छोटा मंदिर बोलते हैं, वहां पे कैजुअली बैठे हुए थे एक कैबिनेट के ऊपर और एक ट्राउजर और शर्ट पहना हुआ था और मुझे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ कि गुरुजी इस रूप में ऐसे सामने खड़े होंगे। और मैंने मंजरी से पूछा कि कहाँ हैं गुरुजी, तो मंजरी ने सामने इशारा करके बताया कि ये तो रहे सामने गुरुजी। तो इससे पहले कि मेरे मन में ये थॉट आया कि मैं गुरुजी के चरण छूं, एंड ऑब्वियसली गुरुजी को आपके मन की हर बात का पता चल जाता था, गुरुजी ने हाथ बढ़ा दिया मेरी तरफ हाथ मिलाने के लिए। एंड एक इनवॉलंटरी सा एक्शन हुआ अंदर से और मैंने भी उनसे हैंडशेक किया। तो एक एहसास ये हुआ कि भाई इतना कोमल हाथ, इतना ही मतलब वो एक स्पेशल मोमेंट था। बाद में पता चला इस चीज का कि गुरुजी को हाथ लगाना या गुरुजी किसी को हाथ लगा देते थे, हम तो उनको हाथ लगाए उसका कोई मतलब नहीं है। जब गुरुजी किसी को स्पर्श करते हैं तो गुरुजी कहते थे कि वो तो बहुत डीप मीनिंग है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मेरे को उन्होंने ब्लेस किया गुरुजी ने, और एक जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो जो
जिस भी तरीके से मैं उसे वर्णन कर सकता हूँ, वो कुछ ऐसा एहसास हुआ जो आज तक मेरे हृदय में बसा हुआ है। जो लोग गुरु जी की शरण में कहीं से सुनकर जो संगत जाती है, वो ये सोचकर या ये कई बार मन में धारण करके जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है जिंदगी में, हमारे ये कष्ट है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई मानसिक तनाव है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें हम सोच करके गुरु जी के पास हम बहुत सारी संगत ये सोच के जाती है। और बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो किसी भी कारण से गुरु जी के पास नहीं गए, वो किसी निष्काम भावना से ही गुरु जी के पास पहुंचे। अब जो लोग तो गुरु जी के पास किसी मंशा से गए, देखिए है तो ये गुरु जी की इच्छा है, कौन कब गुरु जी के दरबार पहुंचा, कौन कब गुरु जी की शरण में आया, ये भी गुरु जी ने ही डिसाइड किया हुआ है। एक आपको उदाहरण में इस चीज का बतला दूं कि मेरे फादर जहां पे सारी जिंदगी ताउम्र जब जहां काम करते रहे, गुरु जी बहुत ही क्लोज बाई थे और आज वो इस चीज को बहुत महसूस करते हैं और इस चीज को वो हमेशा सोचते हैं कि हम इतना नजदीक थे गुरु जी के और हम जा नहीं पाए, दर्शन नहीं कर पाए। गुरु जी ने जब बुलाया तभी गुरु जी के पास वो पहुंचे, बहुत सालों के बाद। और माय फादर ऑलवेज सेज के कि हम इतनी नजदीक बैठे थे उनके, हम बिल्कुल उनके नेबरहुड में ही बैठे थे और किसी ने बतलाया ही नहीं, हम पहुंच ही नहीं पाए वहां। तो एक एक मोमेंट जो है, कब किसने जुड़ना है, ये गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ है। खैर मेरी लाइफ जर्नी मेरे साथ तो गुरुजी मेरे साथ, या मैंने मेरा उनको दर्शन करना गुरुजी का जो था वो डिसाइडेड था कि 2005 में, तो मैं वहां पहुंचा और इस धारणा से गया था कि कोई सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, कोई एक रिलीजियसली इंक्लाइंड कोई महात्मा पुरुष हो सकते हैं। और ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत सारे लोग संगत के जब सत्संग करते थे गुरुजी के वहां, तो एक लाइन बोला करते थे, ही इज गॉड। नई संगत बहुत ध्यान से सुने कि जब हमें कभी किसी इंसान के रूप में बैठे हुए किसी व्यक्ति को जब हम कोई बोलता है कि ही इज गॉड, तो इस बात के ऊपर हमारा बहुत आसानी से विश्वास हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं। हाँ अगर कोई बहुत ही पहुंची हुई सोल हो, कोई बहुत मेडिटेशन में डीप हो, तो वो और बात है, बट मैं इनमें से नहीं था। तो कुछ धारणाएं थी मन में कि इंसानी रूप है, कलयुग है, कौन हो सकता है ऐसे, मुमकिन नहीं। लेकिन बहुत सारी संगत एक वर्ड, एक लाइन बार बार बोलती थी कि ही इज गॉड, ही सुप्रीम पावर। और मैं क्या बताऊं कि कितने ही वीआईपीज, कितने ही पेज थ्री जो लोग सोसाइटी में बहुत ही शक्तिशाली पर्सनैलिटीज रखते हैं, वो नतमस्तक होकर गुरुजी के आगे बैठे हैं और वो ये बोल रहे हैं ही इज गॉड। और मैं शंकाओं से भरा हुआ, फुल ऑफ डाउट्स, कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान जो है वो भगवान के बराबर हो जाए,
या हम कहें कि ये भगवान है, लेकिन गुरु जी का जो पूरा ऑरा, जो उन उनका जो असली रूप, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता था। हमारे आंखों के आगे एक माया की पट्टी ही थी। अब कौन गुरु जी से कब जुड़ेगा, किस टाइम पे जुड़ेगा, ये भी गुरु जी डिसाइड करते हैं। तो लगभग 6 महीनों के लिए तो मैं आंखों के ऊपर बहुत ऐसे पट्टी बांधी रही, और मैंने बिल्कुल नहीं ये यकीन माना कि गुरु जी कुछ ऐसे कोई पहुंचे हुए हैं, या गुरु जी भगवान हैं, ही सुप्रीम लाइट, ही इज लॉर्ड शिवा, जो भी बहुत लोग बहुत ऐसी बातें करते थे जिन जिनके ऊपर बिल्कुल भी हमें कोई ऐसे मुझे विश्वास नहीं होता था। तो मैं काफी देर इन शंकाओं से जूझता हुआ, तो मेरी मुलाकात एक दिन लंगर प्रसाद मिलता था मंदिर में, मैं जाता था और सत्संग करते थे लोग, वो भी सुनता था मैं। बाहर मैं खड़ा हुआ, एक यूएस सिटीजन खड़े थे और उनको गुरुजी प्यार से बोलते थे इम्पोर्टेड अंकल। और मैंने सोचा कि सारे इंडिया के जो लोग हैं वो सारे इमोशनल हो सकते हैं, इमोशनल फूल्स हो सकते हैं, कि ये आदमी कौन है जो एक अमेरिकन सा लग रहा है, इससे जाके पूछा जाए। एंड एज इट केम आउट टू बी, वो एक यूएस सिटीजन निकले अंकल, और मैंने उनको पूछा कि हैव यू कम हेयर, तो वो बोलते यस। तो मैंने कहा आप यहाँ क्या करने आए, तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम जब वो आए तो उनकी उनके कोई मित्र उनको गुरुजी के पास ले आए थे, और उन्होंने ऐसे कैजुअली वो आ गए थे। वो उन्होंने बताया मुझे कि वो बहुत ओबीज थे, और जैसे ही वो गुरुजी के सामने गए, गुरुजी ने पूछा कि क्या डू यू वांट टू लूज वेट, एंड ही सेज यस, दैट्स व्हाट आई हैव बीन थिंकिंग सिंस द टाइम I was born, and Guruji says, "Okay, then go." तो उन्होंने अपनी मित्र की तरफ देखा कि ऐसे कैसे, मैं तो अभी आया ही हूं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी says, "Go, then go." आज्ञा दे दी गुरुजी, चले गए। इनका then what happened? He said, "I slept for 3 days and 3 nights." Then he said, "When I woke up, thereafter, my diet was reduced to 1/4, and I became like this." तो बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम और बड़े फिट, गुरुजी उनको प्यार से इम्पोर्टेड अंकल बोलते थे। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप इसे कोई चमत्कार समझते हैं, तो क्या आपने वेस्ट में या अपने कंट्री में, यूएस में जाके किसी को ये चीज बतलाई? तो उन्होंने मेरा मेरे मुझे एक उंगली से इशारा करते हुए ऐसे पीछे दिखाया, एक लंबी लाइन अंग्रेजों की लगी हुई, जिसमें तरह यूरोप के बहुत सारे देशों से और वेस्ट से बहुत सारे लोग, और मुझे बोलने लगे, दीज पीपल have come here to be blessed by him because the science, the medical science has no answers to their problems. और उस दिन एक लंबी कतार वहां गुरुजी के पास। तो ऐसे करके एक्सपीरियंसेस हुए, जब बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे सत्संग सुनाए, तो एक थोड़ा सा आभास तो ये होने लगा, लेकिन फिर भी ये विश्वास नहीं। अब टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट ये है कि मैं और मंजरी गुरुजी
घर पे बैठे हम शादी के कुछ दिन बाद ही, 6 महीने की बात होगी, हम एक मैरिज वीडियोस अपने देख रहे थे बैठे, और मंजरी के घर से जो वीडियोस स्टार्ट होते हैं वो गुरु जी के स्वरूप से ही स्टार्ट होते हैं, और गुरु जी के स्वरूप के ऊपर सबसे पहले वो पड़ा है ऊपर, और वीडियो जैसे ही स्टार्ट होता है मेरी गोद में मेरा 1.5-2 साल का नेब्यू, जो अभी बोलता नहीं था उस टाइम, बच्चा छोटा, उसने हाथ जोड़ दिए गुरु जी का स्वरूप पे जैसे ही वीडियो पड़ा है, और मेरे माइंड में इमिडिएटली स्ट्राइक किया कि बच्चे में भगवान का रूप होता है, और मैंने शायद इनको पहचानने में कोई गलती कर दी, ही इज नॉट वट आई थिंक हिम टू बी, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई पहुंचे ही हैं जिनको एक बच्चे की प्योर सोल ने पहचान लिया है, वो बच्चा आज 10+2 में हो गया, और गुरुजी का बहुत प्यारा है, बहुत अनुयायी है, गुरुजी के साथ बहुत उसका लगाव है, लेकिन उस बच्चे के बचपन के सदका, और गुरुजी ने देखिए कैसे डिसाइड किया था या कब उनका ग्रीन सिग्नल हुआ, तो मैं मुझे एहसास हुआ ये कि नहीं, देयर इज समथिंग विच आई एम मिसिंग। बहुत सारी संगत गुरुजी के मिरेकल्स को सुनकर और गुरुजी की जो हीलिंग पावर्स को जान करके उनके पास आती हैं, इस आशा से कि उनकी कोई लाइलाज बीमारी ठीक हो जाए, या जहां किसी को कहते हैं कि हर दर पे जिसने माथा रगड़ लिया और कोई खैर ना पड़ी, वो आदमी जब गुरुजी के दरबार आया तो सब काम संपूर्ण हो गए। तो हमें ऐसी बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें गुरुजी के पास खींच ले जाती है, बहुत सारी संगत ये सोच के जाती है मेरा ये हो जाए मेरा वो हो जाए। फॉर्चुनेटली मैं गया था वहां, लेकिन क्योंकि मैं नॉन बिलीवर था इसलिए मन में ऐसा कुछ था भी नहीं कि कोई ये हो जाए या कुछ वो हो जाए। तो जब गुरुजी ने जोड़ लिया अपने साथ, तो एक प्रेमवश उनके पास जाने की लालसा हमेशा मन में लगी रहती थी, और गुरुजी के पास जब गुरुजी के पास जब जाते थे, बड़े प्यार से गुरुजी बुलाते थे कि आ गए चंडीगढ़ दे नास्ते बिगील, एंड जितनी बार हम गुरुजी के पास पहुंचे, कई बार तो लंगर के टाइम पहुंचते थे हम, कई बार कुछ देर पहले ही पहुंचते थे, यहां से चलना 6 घंटे लग जाने, 7 घंटे लग जाने, सड़कें उन दिनों में होती थी कुछ थोड़ी तंग और ट्रैफिक थोड़ा ऐसे ही था, आजकल सड़कें अच्छी बन गई हैं, और बहुत लोग ऐसे सत्संग सुनाए। एक डीजे अंकल होते थे वहां, बहुत टाइम में उनके पास बैठा रहता और वो मुझे बताते रहते कि गुरुजी ने ऐसे क्योर किया उनको, गुरुजी ने उनकी शुगर क्योर की थी, डायबिटीज, और वो भी टॉफियां खिला के। अंकल बताते होते थे कि जब वो आए थे तो उनको बहुत डायबिटीज थी, और गुरुजी ने एक पूरी मुट्ठी भर के कैंडीज की दे दी थी उनको, टॉफीज की, कि ये बैठिए खाइए यहाँ, और उन्होंने कुछ तो चबा ली, और उन्होंने सोचा कि आज यही ना कहीं काम हो जाए मेरा, तो इसलिए उन्होंने कुछ टॉफीज छुपा के जेब में डाल लेनी,
सारी नहीं खानी। फिर जाना, फिर गुरु जी ने दे देनी कैंडीज उनको, और फिर उन्होंने कुछ खा लेनी, कुछ छुपा के रख लेनी, और फिर उनको गुरु जी ने बोला कि जाओ टेस्ट कराओ। टेस्ट करवाया, गुरु जी पूछा कि शुगर ठीक हो गई? अंकल कहते गुरु जी काफी फर्क पड़ गया लेकिन परफेक्ट नहीं हुई। गुरु जी कहते जेडिया जेब च पाइया सी ना छुपा के मेरे को, जे वो भी खा लेंदा ते फिर ठीक हो जाना सी बिल्कुल। एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट, बहुत सी ऐसी चीजें सुनने में आई कि गुरुजी ने चुटकी से ही ठीक कर दिया। गुरुजी ने चुटकी बजा के गुरुजी ने लोगों को, जैसे कहते हैं कि किसी का हार्ट अटैक वाली में कोई हार्ट में प्रॉब्लम आई है वो ठीक हो गई, किसी का कैंसर ठीक कर दिया, किसी का कुछ लाखों की तादाद में। तो बड़े ही विचित्र से दिन थे, बड़ी एक अलग सी एक वहां पे एक नूरानी माहौल। जब जाते थे तो गुरबानी के शब्द लगे होते थे, बहुत मीठे शब्द लगते थे। पहले तो गुरुजी कैजुअली बैठते और बातें करते संगत से, उसके बाद फिर गुरुजी अपने रूम में चले जाते और फिर चोला पहन के निकलते बाहर, तो बहुत फ्रेग्रेंस गुरुजी से आती थी और मुझे फ्रेग्रेंसेस का बहुत शौक है। और मैं सोचता था कि गुरुजी ने पता नहीं कौन सा परफ्यूम गुरुजी ने लगाया होता है जो सारे के सारे हॉल में फैल जाता है, जो सारी की सारी संगत महसूस कर रही है, और जो ऐसे वेव आ रही है कि जैसे कुछ छिड़का हो, कुछ अंदर रखा है इन्होंने कुछ। और एक एहसास ऐसे भी होता था कि जैसे एक वेव परफ्यूम की ऐसे निकलती है गुरुजी से, एक ऐसे फाउंटेन निकल रहा। तो मैं सोचता था कि ये क्या है जो इनके अंदर से ऐसे निकलता है। तो ये सब चीजें खैर आपको तब पता चलती हैं जब आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ते हैं, आपको सब पता चल जाता है कि वो क्या था। एंड मिरेकल्स बहुत हुए, हमारे साथ भी हुए। साल 2006 की बात, जब दिवाली के अराउंड हम शॉपिंग करने गए थे सरोजनगर मार्केट में, लेकिन सरोजनगर मार्केट में हमने 2-3 घंटे रुकना था। ज्यादा देर हम वहां रुक नहीं पाए, मन के अंदर कुछ गुरुजी ने ऐसा डाल दिया। गए तो थे कि वहां 3-4 घंटे वहां शॉपिंग करेंगे फिर गुरुजी के पास जाएंगे छोटा मंदिर, लेकिन हम थोड़ी देर में ही वहां से निकल गए। मन में कुछ ऐसा हुआ, मेरी वाइफ ने बोला कि क्या हुआ, हमने तो 2-3 घंटे शॉपिंग करनी थी। तो मैंने उनको बोला कि पता नहीं आज क्या है मन में, बस आप चलिए यहां से निकल चलिए। वो कहते कि क्या करेंगे इतनी जल्दी जाके। तो मैंने बोला कि नहीं, आज ना अगर नहीं भी मंदिर खुलेगा हम सीढ़ियों में बैठ जाएंगे बाहर जाके, लेकिन हम यहां से चलेंगे। और संगत जी हम अराउंड 4:45 बजे हम वहां से निकल गए और 5:15 बजे वहां पे ब्लास्ट हुआ, जो दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 4 ब्लास्ट हुए थे उस दिन, सबसे पहला ब्लास्ट वही हुआ। तो गुरु जी ने ये जिंदगी गुरु जी की बख्शी हुई है। और इतना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इतनी एक गुरु जी का प्यार और इतना गुरु जी का एक आपको प्रोटेक्शन कि हमें इतना बड़ा एक हादसा होते होते जहां हम बचे, हमें इस चीज का बिल्कुल भी
कोई खौफ नहीं आया जब हमने घर जाके मंदिर से जब हम गए आज्ञा लेकर, जब हमने टेलीविजन के ऊपर दर्दनाक सीन देखे, और कि जिस मार्केट में हम गए थे वहां ये हालात हुए, बिल्कुल भी मन नहीं डोला, जिसे कहते हैं कोई ऐसी अवस्था में नहीं मन पहुंचा जो बहुत डर जाए, कुछ हो जाए। ये गुरु जी का एक बहुत एक स्पेशल गिफ्ट था। मैं मानता हूं कि संगत को गुरु जी का एक जो ऑरा है वो प्रोटेक्ट करके रखता है सारी दुनिया की नेगेटिविटीज से। और गुरु जी जानते हैं कि हमने किस वक्त हमने क्या हमारे लिए अच्छा है, हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को वैसे वैसे ही गुरु जी चलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। और उसी तरीके से हम लोग इवॉल्व होते हैं, उसी तरीके से हम हमारी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी हो चाहे हमारी लाइफ जर्नी हो, वो वैसे वैसे जैसे जैसे इवॉल्व करनी है उन्होंने वैसे वैसे ही करते हैं वो। जब गुरुजी चोला छोड़ के चले गए तो हम लोग ये सोचते थे कि अब क्या होगा, कौन किसकी शरण में हम जाएंगे, या एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत हो गई। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने हर किसी को सही रास्ते पे लगाया है। गुरुजी ने संगत को न सिर्फ जोड़ा, बल्कि इतनी संगत जुड़ी नहीं, और सबको ऐसे गुरुजी ने एक लाइन पे लगाया है। सबसे पहले तो हमें ही ये गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद ही पता चला, और जब हम ऑटोबायोग्राफी में ये चीज पढ़ते हैं वो बोलते हैं कि मैं कितने नहीं गया, मैं यही हूं, सिर्फ आपको देख नहीं रहा, आपके नजरिए को नहीं ये पता। तो तब ये एहसास होता है कि गुरुजी हमारे अंगसंग ही है, हमारे आसपास ही है। मुझे इस चीज का एहसास हुआ 2013 के अराउंड, जब टेलीपैथी में आए गुरुजी। मेरा ध्यान गुरुजी की एक घड़ी के ऊपर बहुत रहता था, घड़ियों का बहुत शौक है मुझे, और गुरुजी ने एक बहुत ब्यूटीफुल वॉच पहनी होती थी। और मैंने ये सुना था कि गुरुजी ऐसे ही प्रसाद दे देते हैं, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, और वो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं बहुत सारी लकी संगत में वो रखी हुई हैं। खैर, मुझे तो ये ऐसा वो नहीं हुआ, वो सौभाग्य नसीब नहीं हुआ, बट वो गुरुजी ने किसी और रूप में मुझे 2013 में जब वो टेलीपैथी में आए, भाई एक बहुत बड़ा स्टॉल लगा रखा है और वहां पे एक बड़ा सारा क्लॉक, कहते तू आ ले ला। मैं कह नहीं गुरुजी, मैं नहीं लेना, इन्हें फिर की लेना। मैं देखता हूं सामने एक सिल्क के कपड़े के ऊपर गुरुजी की एक प्रतिमा बनी हुई है। मैं गुरुजी ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये दे दो। कहने ये तो नीडल दी बनी हुई है, नीडल एंड थ्रेड। मैं कहा गुरुजी लगता था नहीं। कहने हाँ धागे दी बनी हुई एंड कहने नाल तो फ्रेम भी देना वो। मैं कहता हूँ फिर मैं गुरु जी कपड़ा बटा है ते फ्रेम छोटा है। कहने हाँ घूम के इधर पीछे होगा ना। एंड सो दैट्स ऑल। इन द मॉर्निंग आई गेट अप एंड आई टेल माय वाइफ कि गुरुजी आए सी, एंड गुरुजी ने कुछ
कुछ ऐसे कुछ दिखाया मुझे। भूल गए हम गुरु जी के जो टेलीपैथी में मैसेजेस होते हैं उनको समझना बहुत ही मुश्किल है। एक दो बार मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत मुश्किल है ये समझना। बहुत सालों बाद कई बार समझ में आते हैं। एक तो मुझे अभी 14 साल बाद समझ में आया है। तो एक दिन ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आता है, उसमें एक थ्रेड आर्टिस्ट की के बारे में बताया जाता है। हमने वो आर्टिकल पढ़ा, फिर सोचा कि हाँ गुरुजी आए थे टेलीपैथी में और ऐसे कुछ बता रहे थे, हाँ कुछ ऐसा ही था, ठीक है। फिर उसके बाद एक संगत जी घर आए, उनके साथ डिस्कस हुआ और उन्होंने हमें इम्प्रेस अपॉन किया कि अगर तुम लोगों ने ऐसी कोई चीज देखी थी तो आपको वो चीज उस आर्टिस्ट के बारे में पता करना चाहिए, आपको वो बनवाना चाहिए, कुछ ऐसे ऐसे आया थॉट। तो उस आर्टिस्ट को ढूंढा गया, ढूंढने की पहले चेष्टा की गई, एक महीना लग गया। मेरे एक मित्र हैं पटियाला में, तो उनकी ड्यूटी लगाई, लेकिन वो कैसे मिला वो भी एक सत्संग है, ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा, लेकिन पहुंच गए वहां। जब उनके पास पहुंचे, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे कीजिए, आप कोई फोटोग्राफ दे दीजिए, मैं वहां से फिर देख करके ऐसे करके हम थ्रेड से ये पोर्ट्रेट बनाएंगे। तो मैंने कहा जी मैं ऐसे तो कुछ नहीं लाया, लेकिन इंटरनेट पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और हम एक स्वरूप चूज करके आपको बता देंगे। 2-3 दिन हो गए उनका कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने एक दिन कॉल कर लिया, तो मैंने कहा जी कि आपने वो बताया नहीं मुझे। तो वो कहते दरअसल मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने तो शुरू भी कर दिया। मैंने कहा आपने तो हम ऐसा डिस्कस ही नहीं किया। कहते जी एक्चुअली ऐसा हुआ कि मुझे एक दिन ड्रीम में दिखाई दिए आपके गुरुजी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तू साडा पोर्ट्रेट बना रहे हैं? कहना हाँ जी। कहते कि जेड़ा जेड़ी तू देख रहे हैं ना फोटोग्राफ्स, वो नहीं बनाना, साडा एक यूरोपियन आर्टिस्ट ने पोर्ट्रेट बनाया सी और उदे विचो मेरे मन पौंदे रंग नहीं पा सकिया, की तू मेरे मन पौंदे रंग पाएगा? कहता हाँ जी कोशिश कर लांगा, कोशिश करांगा। तो गुरुजी ने उसको बताया कि साड़ी येलो कलर का चोला और पर्पल कलर का स्टोल, एंड ही फाउंड दैट पोर्ट्रेट और उन्होंने वो बनाया, वो स्वरूप बन के आया हमारे ऑफिस में लगा आके। और एक विशेषता उस इस स्वरूप की ये है कि इसको आप जिस भी एंगल से हम दर्शन करते हैं यहां से गुरुजी के, गुरुजी का जो एक व्यू है वो ऐसे ही लगता है, हर एंगल से जहां भी आप खड़े हो जाओ ऐसे ही लगता है गुरुजी आपको देख रहे हैं। जिस आर्टिस्ट ने ये स्वरूप बनाया था, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी उनको, इंटरनेशनल अवार्ड मिले, प्रेजेंट्स अवार्ड मिला उनको, मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग हुई और काफी उनको शोहरत, उनको काफी उनको पॉपुलैरिटी। आप देखिए कि वो जानते भी नहीं थे गुरुजी को, एंड दैट्स अ वे गुरुजी शावर्स हिज ब्लेसिंग्स ऑन ऑन पीपल ऑन संगत हु डोंट इवन नो हिम।
तो इस तरीके से गुरु जी ने इतना कुछ दिया, इतना प्यार दिलवाया संगत से। और गुरु जी कहते थे कि संगत ही थोड़ा असली परिवार है, यही में थोड़े को छट के जा रहे हैं, यही थोड़े असली परिवार है, यही थोड़े काम आएंगे। एंड दैट इज व्हाट वी आर फीलिंग नाउ। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा ये हमारा रिलेटिव, वो हमारा रिलेटिव, बट जिस तरीके से संगत खड़ी होती है साथ में, उस तरीके से कोई नहीं आपके काम आता, कोई खड़ा नहीं होता साथ में। एंड गुरु जी ही खड़े होते हैं संगत की फॉर्म में हमारे साथ हर वक्त। गुरु जी एक वो पावर हाउस हैं जिन्होंने इस पूरे दुनिया में जो सारी संगत है उनको छोटे 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 डायोड्स की तरह कनेक्ट कर रखा है, और वो सब सब छोटे छोटे जो डायोड्स हैं वो गुरुजी के पावर हाउस से पार लेके हम वी आर मेकिंग द एंटायर ग्लोब ग्लो विद हिज ब्लेसिंग्स, विद हिज डिवाइन ऑरा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स अब देख लिए गुरु जी के। जितना मुझे डाउट था, जो एक्सटेंट थी मेरे डाउट की, मतलब आप ये सोचते थे कि क्या ऐसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि गुरु जी किसी ऐसी लेडी को बेबी कंसीव करा दे, बच्चा दे दे, जिन जिसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, फेलोपियन ट्यूब्स नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसी चीजें हम सोचते थे कि क्या ये चीजें पॉसिबल हैं। हम ये अब मेरे माइंड में एक ये भी बहुत क्वेश्चन आया कि माय वाइफ टोल्ड मी, वन ऑफ आवर कजिन्स टोल्ड हर के मून में दर्शन हुए गुरुजी के। तो मन में ये सवाल आता था कि क्या गुरुजी के चोला छोड़ जाने के बाद लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाना शुरू कर गए हैं। ये बड़ी नेचुरल सी एक टेंडेंसी है रैशनल माइंड की, जिसे हम रैशनल माइंड बोलते हैं, कि क्या ऐसे विचित्र चीजें होती हैं। तो मेरे भी मन में ये बहुत सवाल है। मैं बहुत बार मून की तरफ देखता रहा कि मुझे तो नहीं दिखाई पड़ते। अच्छा, फिर उसका ये एक आंसर आता रहता है कि संगत कोई बहुत शिव भक्त है, बहुत मेडिटेशन में है, हमसे स्पिरिचुअली बहुत ऊपर है, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, शायद इसलिए उनको दर्शन हो गए। बट गुरु जी सबके लिए बराबर, और गुरु जी सिर्फ कहते हैं कनेक्शन। अब मेरे मन में ये इतना बात घर कर गई, मैं हमेशा इसको सोचता कि गुरु जी क्या ये सत्य है, क्या मून में दर्शन होते हैं लोगों को। एंड गुरु जी ने मुझे हर चीज वो प्रूव करके दिखाई जिसके ऊपर मैंने डाउट किया। तो पूर्णमासी का दिन था, गुरपुरब था उस दिन, गुरु नानक देव जी का बर्थडे। मैं अपने घर में, अपने घर के बाहर गेट के पास खड़ा था इवनिंग में, और मैंने देखा पूर्णमासी का चांद। फिर मैं चांद की तरफ जब देखूं कि आज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है पूर्णमासी का चांद, तो सब हर कोई देखता है, तो उसमें मुझे कुछ अजीब सा दिखाई पड़ना शुरू हुआ।
एंड मैंने देखा कि क्या दिख रहा है मुझे, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अंदर लॉर्ड शिवा रुद्र रूप में खड़े डांस कर रहे हैं, उनकी जटाएं खुली हैं एंड वो एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ऐसे कुछ इमेज थी। ये नहीं कि कोई इमेज अंदर मुझे दिख रही है, वो खड़े हैं ऐसे इवॉल्व हो रहा, जटाएं उनकी ऐसे बड़े ही विशाल तरीके से मुझे ऐसे कुछ दिखने लग पड़ा। हमारे हमारे गार्डन में एक टैप है, फ्रेश वाटर टैप, तो मैंने सोचा कि कोई केमिकल लोचाना हो गया हो, तो वहां फ्रेश वाटर आ रहा था, मैंने पानी की टैप खोली, अपने मुंह धोया, आंखें धोई, फिर से देखा और मुझे वही चीज दिखाई पड़ रही। एंड धीरे 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 हाफ शिवा एंड हाफ गुरुजी मुझे दिखाई पड़ने लगे वहां। फिर मुझे एक नन्हे से ऐसा लगा कि एक जैसे ना बहुत इनोसेंट चाइल्ड लाइक फेस, बहुत थिक आईज एंड फ्लोइंग वाइट बियर्ड और सफेद रंग की सीधा पटका बांधा हुआ। आई डोंट नो, एंड एंड देन यू नो द मून सीम टू टर्न अराउंड और गुरुजी आधा मुझे रूप दिखाई दिया, आधा इस साइड पे लॉर्ड शिवा। एंड आई इमीडिएटली रैन इन साइड, कॉल्ड माई वाइफ एंड आस्क्ड हर कि तुम ऊपर देखो फटाफट, तुम्हें कुछ दिख रहा है? एंड शी सेड नहीं, मुझे तो बस एक झंडा ही दिखाई पड़ रहा है। आई सेड नहीं, तुम अपनी आंखें धो फटाफट और जल्दी से देखो, ध्यान लगाओ, गुरुजी के बारे में सोचो, देखो। एंड आई थॉट कि मैं इसको थोड़ा गुरुजी के बारे में बताऊंगा इसको, ये तो शायद इसको भी दर्शन होंगे, इसको भी दिखना शुरू होंगे। शी ट्राइड हर बेस्ट एंड शी सेड कि ना भैया, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। एंड शी वेंट इनसाइड एंड आई केप्ट लुकिंग एंड देखता रहा मैं, गुरुजी दिखते रहे मुझे, एंड एक तरफ रुद्र रूप, दूसरी तरफ गुरुजी। और उस दिन मुझे क्या कहते हैं, जैसे रोंगटे खड़े हो गए मेरे, ये सोच करके कि ये एक्चुअली ऐसा होता है क्या, मैं जो देख रहा हूं इज इट रियल। एक और बात सोचता था मैं, एक बात मैं ये सोचता था कि मैंने जिंदगी में बहुत पाप करे होंगे। हम लोग बचपन से ही कुछ झूठ बोल देते हैं कैजुअली, और कुछ चीजें हम हमारे मन में मटेरियलिस्टिक आती हैं, माया है, झूठ है, आपके आसपास बहुत सारा पोल्यूशन है, इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग हम ये मान के चलते हैं कि कलयुग है, ये सब चीजें आपके ऊपर हावी होती हैं। तो क्या गुरुजी आपसे दूर होते हैं? नहीं। क्या गुरुजी की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती? ये भी मुझे बहुत देर में समझ आया। गुरु हर हर किसी के ऊपर कृपा करते हैं। गुरुजी कहने से मैं माफ करन ही था आया, एंड हर किसी के ऊपर इक्वली। नाउ द ओनली डिफरेंस इज विच आई नाउ हियर, हम लोग सब सत्संग सुनते हैं मन लगा करके, एक दूसरे से हम सीखते हैं किसने गुरुजी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, जो हम तब नहीं एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस ज्यादा शेयर नहीं कर पाए, अब हम करते हैं। तो एक चीज जो सामने निकल के आती है, गुरु जी कहते सी मैं पात्र दी पात्रदा दे हिसाब नाल ही देंदा। नाउ यू नो द टाइप ऑफ यूटेंसिल विल ओनली डिसाइड दैट हाउ मच द ब्लेसिंग्स फ्लो। किसी किसी की ट्यूनिंग ऐसे है कि वो ज्यादा ले जाता है, किसी की ट्यूनिंग ऐसे है वो कम लेता है। ये गुरुजी के देने में कुछ नहीं है, गुरुजी के देने में तो देना ही देना है।
ये त्रुटि हम लेने वालों में, कोई ज्यादा ले जाता है कोई कम लेता है। एक प्रश्न का उत्तर और मिला रिसेंटली कि जब हम गुरुजी के पास बैठे रहते थे, बहुत सारी पुरानी संगत आपको ये एक्सपीरियंस बताएगी, बहुत सारे सत्संग में आपने ये शायद सुना होगा, बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि उनके पास उठने से मन नहीं भरता था कभी भी। जब भी गुरुजी के पास बैठ जाना सामने, तो हम सब ने आंखें चुरानी कि गुरुजी कहीं हमें ना उठा के बोल दे के जाओ जी। तो गुरुजी ऐसे बोलते तो नहीं थे, गुरुजी इशारा ही करके अपने पास बुलाते थे और छुट्टी करते थे, तो एक इशारा, हाथ के इशारे से ही बोल देते थे। तो हर कोई बचता फिरता होता था, छुपते फिरते सब एक दूसरे के पीछे। नाउ व्हाट वाज दैट? वो रिसेंटली मुझे एक ये पता चला है, समझ में नहीं आया था, समझ में ये नहीं आता था कि वहां क्या इतना अच्छा लगता है। गुरुजी का जो ऑरा था, ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं और आप मैग्नेटिक पुल की तरह अट्रैक्ट होते हो उसकी तरफ। एक और चीज गुरुजी आपको बोलते थे कि औंधेरिया करो, बहुत सारे संगत को गुरुजी कहते थे औंधेरिया करो। सो द आइडिया वाज कि यू कीप कमिंग एंड कीप गैदरिंग दैट पॉजिटिविटी। तो जब गुरुजी के आसपास हम लोग बैठते थे तो हम उनकी एक पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होते थे, जिस दायरे में हमें वो ब्लेसिंग्स देते रहते थे। ये तो गुरु की नजर है, वो तो बैठे बैठे चाहे दुनिया के किसी की किसी भी कॉर्नर में ब्लेसिंग्स पहुंचा दे, बट जब हम गुरुजी के पास जाते थे ना, तो गुरुजी एक और चीज बोलते थे कि जब मेरे को लाने पाठ कराया करो। नाउ द होल आइडिया वॉज आप लोग अपने घरों में बैठ के या किसी मंदिर में बैठ के या किसी भी धार्मिक स्थान पे बैठ के जब आप प्रेयर्स करते हैं, आपका मन उस अवस्था में पहुंच ही नहीं सकता जो अवस्था आप गुरुजी के सामने आते ही पा जाते थे, ब्लैंक माइंड की। जनरल कपूर ने भी बहुत अच्छे से इस विषय के ऊपर अपने एक सत्संग में कहा है, उन्होंने किसी किताब का जिक्र किया था कि आप 2 मिनट से ऊपर अपने माइंड को ब्लैंक रख ही नहीं सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जब आप गुरुजी के सामने जाते थे तो आपका माइंड जाते ही ब्लैंक हो जाता था, तब आपके माइंड में कोई इधर उधर के थॉट्स आते ही नहीं थे। दिस वॉज द पावर ऑफ द सुप्रीम, दिस वॉज द पावर ऑफ गुरुजी, दिस वॉज द सुप्रीम लाइट, एंड दिस वॉज प्रोबेबली वट वी In simple terms, call God. जब लोग बोलते थे, जब संगत ये बोलती थी कि गुरुजी इज गॉड, तो उनका साधारण सिंपल एक शब्दों में यही कहना था कि ये ब्रह्मांड के सृष्टि रचयिता है, ये सारे ब्रह्मांड के ये ऊपर हैं और हम गुरुजी कहते सी के बड़े लेवल तक आए हैं, हम लोग ये रियलाइज नहीं कर पाए और हम लोग असली चीज मांग ही नहीं पाए। गुरुजी कहते थे कि असली चीज मेरे को कोई नहीं मांगता, हम लोग आज भी नहीं मांगते उनसे असली चीज। विडंबना ये है कि हम आज भी नहीं मांगते उनसे असली चीज, सिर्फ तब की बात नहीं है जब गुरुजी कहते थे मेरे को असली चीज कोई नहीं मांगता। आज पुरानी संगत बहुत सारी ये सोच रही है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ओहो गुरुजी से क्यों नहीं पूछ ली ये बात, गुरुजी से क्यों नहीं पूछ ली वो बात, कि गुरुजी ये राज है क्या है, जन्म मरण ये सब क्या है, पुनर्जन्म और अच्छे कर्म बुरे कर्म, हम लोग माया चक्रों में क्यों फंसे हुए हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम आज भी नहीं, आज भी हमारे मन में यह था हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारी गाड़ियां बन जाए, हमारा हमारे करियर बन जाए, हमारे बच्चे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, हम आज भी गुरु जी से असली चीज तो कोई नहीं मांगता। और जहां तक प्रेम का सवाल है, जो मेरी दृष्टि में आया, जो मैंने
अपने इर्द गिर्द की संगत को देख करके देखा है कि बहुत सी संगत ऐसी है, चाहे गिने चुने हो लेकिन है जरूर, जो गुरु जी से बेइंतहा प्यार करते हैं। बहुत सारी संगत ऐसी है और जो मेरे जैसे हैं, जो उस ब्रैकेट में नहीं है, उनको यही चेष्टा करनी चाहिए कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा कर्म करें या कोई ऐसा कोई एफर्ट करें कि हम गुरु जी को और ज्यादा प्यार करने की, उनके बारे में और ज्यादा उनसे एफिनिटी बनाने की हम चेष्टा करें, हम उनको और अपने नजदीक हम उनके जाएं। तो गुरु जी तो एक ऐसा मैग्नेट है जो खींचता ही है अपनी तरफ। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उसको पिक कर पाए, हम कितना अपनी स्पिरिचुअल एलिवेशन करें। कर नहीं पाते, हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर से फंस जाते हैं। हम एक कदम आगे लेते हैं, दो कदम हम पीछे चले जाते हैं। नाउ आई वाज रीडिंग दिस बुक, द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। परमहंसा जी बहुत ब्यूटीफुली उसमें ये चीज डिस्क्राइब करते हैं। कहते हैं, गुरु आपके मन के अंदर एक ज्योत जगा सकते होते हैं स्पिरिचुअलिज्म की, और वो अपनी शक्ति से उस ज्योति को कुछ देर आपके अंदर रख सकते हैं, लेकिन उसे सस्टेन करना है आपके कॉन्शियस एफर्ट में। अगर आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं करेंगे उसे सस्टेन करने के लिए, तो वो फिर वो निकल जाएगी अल्टीमेटली। सो प्रोबेबली गुरुजी वाज टीचिंग अस ऑल दीज थिंग्स, डिटैच करना अपने आप को मटेरियल चीजों से भी, फीलिंग से भी, अटैचमेंट से, ये सब चीजें शायद गुरुजी हमें समझाना चाहते थे। तो धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आती हैं। बहुत सारी संगत अटैच्ड होती है किसी न किसी चीज से। मैं उदाहरण दे देता हूं आपको, बहुत सारी संगत अपने पर्स में गुरुजी का स्वरूप लिए बैठी है, उनकी बहुत अटैचमेंट है और वो अपने आप को रोक ही नहीं सकते कि वो किसी को दे दें, किसी के साथ शेयर करें, ये भी अटैचमेंट है। बहुत सारी संगत ये सोची बैठी है कि ये गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है मेरे पास, आई कांट गिव इट टू एनीवन, ये भी अटैचमेंट है। एक्चुअली गुरुजी का दिया हुआ कोई सुवेनियर जो है वो गुरुजी से ऊपर तो है नहीं। गुरुजी से अगर कुछ आपने किसी से अगर अटैच होना है तो वो सिर्फ गुरुजी हैं बस। हमारा जो प्यार, हमारा जो हमारी जो फीलिंग है, वो गुरुजी से अटैचमेंट होनी चाहिए बस। बाकी सब चीजों से, मटेरियल चीजों से डिटैचमेंट, अटैचमेंट सिर्फ गुरुजी के साथ, बाकी सब चीजों के साथ डिटैचमेंट। हाउएवर ये मतलब नहीं इसका कि कोई अपने घर में स्वरूप ना रखे, रख ले। और अगर आपका फेथ आपको ऐसे लगता है कि आप गुरुजी से बेटर इंटरैक्ट कर पाते हैं उस स्वरूप के थ्रू, तो कोई बात नहीं। ऑटोबायोग्राफी में भी उन्होंने यही एक मैसेज दिया कि गुरुजी, उन्होंने बोला कि गुरुजी आपकी फोटोग्राफ चाहिए। वो कहते क्या करोगे, कहते गुरुजी बस मेरे मन को एक दिलासा हो जाएगा कि आप मेरे पास हैं। उन्होंने एक फोटोग्राफ देकर उसको भक्त को बोला कि ये ले जाओ, एंड इट शैल बी अ प्रोटेक्शन इफ यू डीम इट सो, अदरवाइज इट विल रिमेन ओनली अ पीस ऑफ पेपर। मतलब ये कि जो सेंटीमेंट है, जो कनेक्ट है, वो चाहे किसी मटेरियल चीज के थ्रू हो लेकिन वो सेंटीमेंट, वो तार प्योर होनी चाहिए बस गुरु और भक्त के बीच में। उसके बीच में अटैचमेंट उस मटेरियल चीज के लिए नहीं, अटैचमेंट गुरु के साथ होनी चाहिए। एक बार फिर से लाइन दोहराता हूं, वो बोलते हैं
इट शैल बी अ प्रोटेक्शन इफ यू डीम इट सो। अगर तुम ये मानोगे कि ये स्वरूप तुम्हारा गुरु बन के ही तुम्हारे सामने खड़ा है तो मैं वही हूं, अदरवाइज इट विल ओनली बी अ पीस ऑफ पेपर। तो बस यही एक मैसेज है, यही एक आग्रह है कि जितना भी हम कोशिश करें हमारे से गलतियां होंगी, हम ऐसे काल चक्र में इसमें फंसे हुए हैं, बट गुरुजी हम सबको पकड़े रखे, हम सबको पकड़े हुए हैं, हम उनका लड़ना छोड़ें, हम पकड़े रहे हैं उनको ताकि वो हमें कभी भी हम कोई गलती करने लगे, कभी भी हमसे कोई भूल होने लगे तो गुरुजी हमें बचा ले। गुरु नाम का एक छाप लग जाए हमारे सोल्स के ऊपर ताकि जब हम गुरबानी के अंदर तुरी, जब when we reach the ultimate, then we are answerable to the ultimate and at least we can justify that कि हमने गुरुजी के साथ प्रेम किया। अच्छे कर्म, ज्यादा से ज्यादा परोपकार और कम से कम किसी का दिल दुखाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों की, जरूरतमंद लोगों की हेल्प करना और अपने गुरु से प्यार करना, संगत से प्यार करना और चारों तरफ अपने करुणा और दान में ही काम करने हमने, तो यही हमारे गुरुजी की हमें सीख है। और पुरानी संगत से ये बहुत एक हाथ जोड़ के विनती कि हम सब के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब के ऊपर एक हमारा ही एक ये कर्तव्य है कि हम अपने गुरुजी को कभी कोई गलत ना पोर्ट्रे करें, हम हमारे मुंह से निकला हुआ कोई भी वाक्य ये ना किसी को कोई गलत मैसेज ना दे, बिकॉज जो संगत गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद गुरुजी से जुड़ी वो सब पुरानी संगत के ही सत्संग के ऊपर और उनके द्वारा बोली गई चीजों को ही एक ग्रंथ मान के ही चलते हैं। कुछ लोग इतना ज्यादा उनके ऊपर निर्भर हैं गुरुजी को जानने के लिए, तो हमारे ऊपर ये एक बहुत ही बड़ा एक दायित्व आ जाता है कि हम इस दायित्व को हम बहुत ही ईमानदारी से निभाने की चेष्टा करें ताकि हम नई संगत जोड़ें, हम गुरुजी को उनके सही इमेज को दिखाएं, हम हमारे किसी भी कर्म से, हमारे किसी भी बोल से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई संगत टूटे या किसी संगत का दिल दुखे या किसी को ठेस लगे। ऐसा कोई भी कर्म हमारे लिए अति निंदनीय होगा और हम निंदा के पात्र बनेंगे, हम पाप के भागी हो जाएंगे अपने ही गुरु के, अगर हमारे किसी कर्म से, चाहे तो कोई संगत टूटे चाहे किसी का दिल दुखे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि सारी जो नई संगत है, जो नए बच्चे जुड़ते हैं गुरुजी के साथ, उनको हम जो है कोई भी ऐसा इंप्रेशन ना दे, क्योंकि गुरुजी ने तो सबको दिया ही दिया है, वो तब भी दे रहे थे अब भी दे रहे हैं, उनका काम ही ब्लेस करना है सबको और लाखों करोड़ों की तादाद में। आई एम श्योर कि आप दुनिया में आप कहीं भी नाम लीजिए, किसी कंट्री का नाम लीजिए जहां गुरुजी का नाम
का सत्संग नहीं होता, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसी भाषा नहीं कि जहां गुरु जी के नाम के सत्संग ना हो रहे हैं। कोने कोने में दुनिया के कोने कोने में ये जो प्रकाश है वो फैल रहा है और फैलना चाहिए। मंत्र जाप से जितना जितनी पॉजिटिविटी लॉकडाउन में गुरुजी ने सबको बख्शी है, मैं ये आग्रह करूंगा कि हमें ये पॉजिटिविटी और भी ज्यादा ये बढ़ानी चाहिए। और अब मैं संगत जी से आज्ञा लेता हूँ, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन गुरु जी को, शत शत प्रणाम, शुक्राना गुरु जी, एंड आई एम हैंडिंग इट ओवर टू मंजरी नाउ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम, मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्राना, सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना, उन्होंने मैनेजमेंट के थ्रू एक बार फिर से मौका दिया सत्संग करने का। जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि गुरु जी की महिमा का बखान करना, गुणगान करना बहुत ही मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है सही शब्दों का प्रयोग करना। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए या कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। एक नादान बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में 1996 में दर्शन किए थे, और उस समय ये आभास नहीं था, ये एहसास नहीं था कि हम महाशिव के चरणों में हैं। बचपन से मुझे टीवी पे जो भाषण देते थे वो कभी अच्छे नहीं लगते थे, जो संत भाषण देते थे, आई एम सॉरी टू से दैट, मैं क्षमा मांगती हूँ ऐसा कहते हुए भी, लेकिन एज अ चाइल्ड मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, मुझे वो बहुत बोरिंग लगता था, और मुझे लगता था कि इसको कोई फॉलो करता है या नहीं करता है। एंड आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि वो लोग कितने लकी थे जो सोल्स उस टाइम जब हम रामचंद्र जी के बारे में बचपन में स्टोरी सुनते थे या कृष्ण जी के बारे में सुनते थे, तो आई ऑलवेज यूज टू इमेजिन कि वो उस टाइम पे जो सोल्स हुई होंगी जिन्होंने उनके दर्शन किए होंगे वो कितने लकी थे, या उस दौरान जो थे वो कितने लकी थे, लीस्ट रियलाइजिंग कि हम तो खुद महाशिव के चरणों में बैठे हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती थी कि गुरु जी के दरबार में आके इतना पीस मिलता था, सोल खींची चली जाती थी। और एज ए चाइल्ड कोई भाषण नहीं था, गुरु जी बोलते थे। गुरु जी ने एक बार मेरे को बोला था कि आज जो टीवी ते भाषण देंदे है इन्हां नूं पुछो, मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, प्रैक्टिकल करके दिखाना। एंड प्रॉब्ली दैट वॉज समथिंग आई ऑलवेज लाइक। जब मामा जी ने फर्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन किए तो उनको मालूम नहीं था कि जब उन्होंने जलंधर मंदिर के छोटे डोर पे नॉक किया तो जिन्होंने डोर खोला और उनको गाइड किया वो स्वयं गुरु जी हैं। इतनी हम ह्यूमिलिटी, ही ऑलवेज लेड बाय एग्जाम्पल। मेरे फादर गुरु जी को नहीं मानते थे एंड ही वॉज ऑफ द व्यू कि ये कौन सा मंदिर है जो रात को खुलता है, और वो जाने से मना करते थे। हालांकि गुरु जी का दरबार जलंधर में शाम को लगता था। ऐसे ही एक बार मैं गुरु जी के दरबार जाना चाहती थी लेकिन मेरे फादर मुझे भेजना नहीं चाहते थे, तो बोथ ऑफ अस हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड उनसे झगड़ा करके
आई केम टू गुरुजीज टेम्पल, मुझे बहुत खिंचाव महसूस होता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरुजी के दरबार आना। ऐसा पीस कहीं नहीं मिलता था जो उनके चरणों में मिलता था। मन भरा हुआ था एंड द मोमेंट आई एंटर्ड, आंसू छलकने को थे आंखों से लेकिन बहुत कंट्रोल किया हुआ था। और उस टाइम ऐसा लगता था कि संगत में अगर यार रो दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, और आज सोचती हूँ कि हर सत्संग में मैं रोना शुरू कर देती हूँ, मुझसे सत्संग ही नहीं हो पाता। गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाया और शब्द सुनने के लिए बोला। मेरा ध्यान किसी शब्द पर नहीं था क्योंकि मेरा खुद का मन भरा हुआ था। एंड आफ्टर सम टाइम गुरुजी सेड, कमलिए मंदर्ज की औंधी लोड़ा है, मैं तक कर भी तेरे नाल। मन में आया उस वक्त कि इनको कैसे मालूम कि घर में क्या हुआ, बट वो जैसे आया वैसे ही चला गया। बहुत बार इंसिडेंट्स हुए, मेरी नानी को गुरुजी ने 5 years लाइफ के दिए, डॉक्टर्स ने उनको घर ले जाने के लिए बोल दिया। देर वॉज नो पल्स, नो हार्ट बीट। शी वॉज एडमिटेड इन द मिलिट्री हॉस्पिटल जलंधर। माई मामा जी वॉज ब्रिगेडियर इन आर्मी और उस टाइम वो RNR दिल्ली में पोस्टेड थे। आई वेंट टू गुरुजीज टेम्पल, आई वॉज टू अटैच टू माई नानी। आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई क्राइड अ लॉट सिटिंग आउटसाइड। जो जलंधर मंदिर में छोटा गेट है उस गेट के अंदर और मंदिर वाले दरवाजे के बाहर जो जगह थी, बिकॉज उस टाइम मंदिर अभी ऐसे संगत के लिए नहीं खुला था, तो मैंने सिर्फ नॉक करके रिक्वेस्ट करके बाहर से ही माथा टेकने को उनसे परमिशन मांगी थी, बता करके ऐसे मेरे नानी माँ बीमार है। एंड उनका गुरु जी का स्वरूप, जो गुरु जी ने छोटा सा स्वरूप दिया हुआ था, वो नानी की शर्ट के साथ लगाकर, जब उनको एडमिट किया तब पिन लेकर उसके साथ लगाया हुआ था। एंड आफ्टर मिडनाइट हर पल्स, हर हार्ट बीट, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। एंड द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट, डॉक्टर सेड कि ये इन्हीं का ही मिराकल है जिनका आपने स्वरूप लगा रखा है। ऑल्दो दे डिड नॉट यूज द वर्ड स्वरूप, दे सेड जो आपने फोटोग्राफ लगाई हुई है ये इन्हीं का ही मिराकल है। आफ्टर मिडनाइट इनके सारे वाइटल्स नॉर्मल हो गए। एंड व्हेन आई वेंट टू द टेम्पल गुरु जी का शुक्राना करने के लिए, जिन सेवादार अंकल से मैं मिली थी वहां पर, उन्होंने मेरे बताने से पहले ही मुझे बताया कि नथिंग विल हैपन टू योर नानी। गुरु जी ने कल रात को मिडनाइट के अराउंड गुरु जी ने कल रात को बोला था, जा मंजरी दी नानी नू 5 साल दिते। एंड माई नानी लिव्ड एग्जैक्टली फॉर 5 years। उस समय ये बहुत सेटिस्फैक्शन थी कि कुछ भी गड़बड़ होगा बस गुरुजी के दरबार पहुंच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वीक ह्यूमन बीइंग्स, ये जानते हुए भी हम बहुत बार पेशेंस लूज कर जाते हैं। वी डोंट ट्रस्ट हिज टाइमिंग, हिज टाइमिंग इज परफेक्ट। To put it in someone's words, which I really like, he's the boss and it's his show. His timing is perfect and he executes his plans very well. Unko malum hai kisko kis waqt kaise jodna hai. Hum sab jab mushkil mein hote hain तो हमारे लिए किसी ना किसी रूप में वो आकर हमारी हेल्प के लिए हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं।
ये भी चीज उन्होंने रियलाइज करवाई कि इंसान कभी नहीं हेल्प करते, वो खुद हेल्प करवाते हैं, वो खुद ये थॉट माइंड में डालते हैं। गुरुजी ने मुझे नाम चेंज करने के लिए, नेम चेंज करने के लिए बोला। दिस नेम इज गिवन बाय गुरुजी और मैंने उस समय आकर सबको अपना नाम ये बोला, मंजरी बुलाने के लिए बोला। बट सिंस इट वॉज नॉट ऑफिशियली चेंज्ड तो नोबडी टुक मी सो सीरियसली। ऑल्दो संगत में मुझसे कोई भी नाम पूछता था, कोई मिलता था जलंधर संगत में, तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि मेरा नाम मंजरी है। इन 2013 एक संगत घर में आए जिन्होंने बाहर बोर्ड लगा हुआ देखा, आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड माय प्रीवियस नेम वाज रिटन ऑन द बोर्ड एंड शी आस्क्ड मी दैट हर मदर इन लॉ कॉल्स मी मंजरी एंड दे ऑल नो मी एज मंजरी, देन व्हाई सम अदर नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। सो मैंने उनको बताया कि एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन में, पेपर्स में मेरा वो नाम है, गुरुजी ने मेरा नेम मंजरी चेंज किया था। तो शी सेड अगर गुरुजी ने बदला था तो आपने उसको अपने पेपर्स में, अपने डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं चेंज करवाया। एंड आफ्टर गुरुजीज महासमाधि मेरे को दो चीजों की बहुत गिल्ट फीलिंग थी अपने मन में। गुरुजी ने मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ने के लिए बोली थी, मैंने नहीं पढ़ी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने आज्ञा नहीं मानी है गुरुजी की। और दूसरा नेम चेंज का था कि गुरुजी ने मुझे नेम चेंज करने के लिए बोला एंड आई हैवंट चेंज्ड माय नेम ऑफिशियली, तो मुझे ये लगता था कि मैंने गुरु आज्ञा नहीं मानी है, जिस चीज का मुझे खुद भी मन में मलाल था। तो वो जो आंटी के शब्द थे वो काइंड ऑफ समटाइम्स एक इंडिकेशन ही होता है जो गुरुजी संगत की तरफ से देते हैं, वो आपके मन में बैठ जाता है। तो आई थॉट कि अब तो चेंज करना ही है। प्रोफेशनली आई नीडेड दैट चेंज इन द डॉक्यूमेंट्स जो मेरे को प्रोफेशनली जरूरत थी। तो ये सोचकर आई अप्रोच्ड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज हियर ताकि मेरा नाम चेंज हो सके मेरे प्रोफेशन में एंड दे सजेस्टेड अ प्रोसीजर। मैं बहुत शॉर्ट में सत्संग करूंगी क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। दे सजेस्टेड अ प्रोसीजर विच आई फॉलोड जिसमें वो एक स्टेप मुझे बताना भूल गए विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉज दैट आई हैड टू गेट माई नेम चेंज्ड इन माई सर्टिफिकेट्स ऑफ क्लास 10th विच आई हैड पास्ड आउट इन लेटर 90s। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था 2013 में और गुरुजी ने मेरा नेम चेंज किया था अराउंड 2004, बिगनिंग ऑफ 2004 में, टू बी प्रिसाइज जनवरी 2004 में। और जब मैं प्रोसीजर जो उन्होंने मुझे बताया था जब वो सारा करके उनके पास गई तो दे सेड वी कांट चेंज योर नेम अंटिल अनलेस यू गेट योर नेम चेंज्ड इन योर डॉक्यूमेंट्स इन योर सर्टिफिकेट्स ऑफ क्लास 10th। वहां पर भी गुरुजी ने किसी अननोन सर की ड्यूटी लगा रखी हुई थी मेरी हेल्प करने के लिए एंड द वे ही हेल्प मी आउट वाज अमेजिंग। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई ऑलवेज फील दैट ही हैड प्लान्ड एवरीथिंग और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने कहीं किस अननोन और कहीं नोन फेस को पहले से ही ड्यूटी दे रखी थी। उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मुझे सिर्फ वहां भेजा जाता था, काम वो खुद ही कराते थे। बिकॉज इट्स क्वाइट स्ट्रेंज आजकल की दुनिया में जानकार लोग बहुत कम काम करते हैं। व्हेन सम अननोन पीपल कम एंड हेल्प यू आउट इट इज वेरी स्ट्रेंज। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स गुरुजी ने चेंज करवा दिए From A to Z, all documents. आज की डेट में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं बचा जिसमें मेरा नेम चेंज ना हो। और हर एक नेम चेंज इज अ सत्संग इन इटसेल्फ। इट्स क्वाइट बैफलिंग हाउ somebody कम्स एट द डोर एंड knocks एंड informs कि वोटर कार्ड्स में नेम चेंज हो रहे हैं, वोटर कार्ड्स में चेंजेस हो रहे हैं। इफ यू want टू गेट इट डन
द सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल एट सच एंड सच प्लेस नियर योर हाउस, ना उसके बाद कोई कभी ऐसे बताने आया, ना उससे पहले कभी किसी ने बताया। और बहुत सारे नोन जो जिनकी हेल्प चाहिए थी या जिनकी हेल्प की जरूरत पड़ी, उनकी गुरुजी ने पोस्टिंग्स ऐसे करवा दी उस जगह पे जिस जगह पे मुझे उस समय जरूरत थी। आई रियलाइज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, और मैंने बहुत बार, आई फेयरली एडमिट, अभी भी कई बार ग्रम्बल करती हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे, गुरुजी ऐसे हो गया, गुरुजी वैसे हो गया। लेकिन लेटर ऑन वक्त में आगे निकल जाने पर, व्हेनेवर आई लुक बैक, आई सी हिज ग्रैंड प्लान एंड आई थैंक हिम फॉर दैट वेरी रीजन, फॉर वेरी दैट वेरी थिंग जिसके लिए मैं ग्रम्बल कर रही थी कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपकी ब्लेसिंग से ऐसे हुआ तो इसका ये आगे जाके प्लान था आपका। ही इज ऑलवेज राइट। वी पीपल लूज पेशेंस, मैंने भी पेशेंस लूज किया था और मुझे जीवन उन्होंने ही बख्शा। एक्चुअली हम लोग डरते बहुत हैं लाइफ में, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। एक बहुत पुरानी संगत ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी मुझे, वेयर देयर इज फेथ देयर इज नो फियर, एंड इफ यू हैव फियर इन योर माइंड दैट मीन्स यू आर लैकिंग इन फेथ। जब भी मुझे किसी चीज से डर लगता है, क्योंकि माइंड इज ट्रेन टू थिंक नेगेटिव, चाइल्ड इज लेट फ्रॉम स्कूल, सबसे पहले नेगेटिव थॉट आता है, सम फैमिली मेंबर फॉल सिक, सबसे पहले नेगेटिव थॉट आता है, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते हैं, और माइंड इज ट्रेन्ड सच। I always try to remember these lines. Guruji ne life ko, Guruji is working on us each and every day, every moment. That's how I feel. Aur kai baar lagta hai ki Guruji aapko mere upar to bahut mehnat karni padti hogi. बहुत कुछ गुरुजी सिखाते हैं जो हम सीख नहीं पाते हैं। वी हैड सत्संग एट आवर प्लेस लास्ट ईयर, और सत्संग के बाद जैसे हम ऑल वी ऑल आर चार्ज्ड अप, वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी, आई कॉल्ड अप माय मॉम एंड आई टोल्ड हर बातों बातों में, आई जस्ट सेड, आई हैपन टू से दैट out of happiness, positivity, कि जो गुरुजी का स्वरूप है, जिस स्वरूप के बारे में राजीव ने अभी सत्संग किया, जो गुरुजी ने खुद ब्लेस करके भेजा, I told my mom about two things, about I had the chance to visit दुगरी मंदिर, जब वो ऐसे मंदिर नहीं था जैसे अब बना है, माता जी से भी मिलने का मौका मिला था, और वहां से मैं कुछ सुवनियर लेकर आई थी, और एक ये स्वरूप, एंड आई टोल्ड माय मॉम दैट दीज टू थिंग्स आर माय प्राइज्ड पोजेशंस एंड दैट सुवनियर व्हिच आई गॉट इज लाइंग एट माय पेरेंट्स प्लेस, तो आई टोल्ड माय मॉम दैट दिस इज वन थिंग दैट यू गिव टू मी। And I use the word, these are my prized possessions. And satsang ke baad, jab Swaroop office mein lagaya, to takriban 4-5 ghante ke baad, wo Swaroop neeche gir gaya. Swaroop ko kuch nahi hua. Nahi to upar se, wall ke upar se neeche girti hai. Koi cheez, to kaanch tootta hai. Uska side se, corner se, thoda sa frame crack hua.
we got it redone. But somehow, I don't know, I realized that I don't own or possess anything. My choice of words was wrong. I was wrong. I'm going to leave all these things here. एंड शायद ये उनका बताने का तरीका था कि यहाँ की सब चीजें नश्वर हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो. कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ होना चाहिए, सोल टू सोल कनेक्शन होना चाहिए, नॉट थ्रू द थिंग्स. And actually, I have been the one who's been very possessive about Guruji's swaroops. Mereko jo unhone bless karke swaroop diya tha, uska bhi ek chota sa satsang hai. Uncle, time hai kya? Please, aap share kiye. One of my friends during my college time, who had not seen Guruji in physical form. Guruji us time Chandigarh mein the. So her father expired and she being the eldest, family ka sara bhar uske upar aa gaya. They had purchased a new house and they were paying installments of loan, jiske liye unhone thoda sa loan bhi liya tha. Auntie was not working. She was a housewife. Aur unka pension ke jo documents hai wo काफी उसके लिए टाइम लग रहा था पेंशन के लिए और वो बहुत परेशान थी. एक दिन वो मेरे पास आई एंड मैंने उसको गुरुजी के बारे में बताया और हम दोनों गुरुजी के मंदिर गए, माथा टेका जलंधर वाले मंदिर में. शी वॉज लुकिंग फॉर सम जॉब ऑफ अ लेक्चरर और अ टीचर. या तो उसको कॉलेज में लेक्चरर मिल जाती उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, या कहीं भी टीचर की जॉब मिल जाती. शी वॉज रेडी टू टेक एनी जॉब. और वो जहां भी इंटरव्यू देके आती थी वहां सक्सेसफुल नहीं होती थी. उसको एक ही दिन दो स्कूल से इंटरव्यू के लिए कॉल आया. वन ऑफ द स्कूल्स वाज नियर माय हाउस व्हिच वाज अ वेरी रिप्यूटेड स्कूल एंड शी थॉट. और इंटरव्यू का टाइम भी एक ही था, दोनों का 10 o'clock इन द मॉर्निंग इंटरव्यू का टाइम था. शी वाज इन अ फिक्स कि मैं कहाँ जाऊं पहले. और बोथ द स्कूल्स वर पोल्स अपार्ट, एक सिटी के एक कॉर्नर पे और दूसरा दूसरे कॉर्नर पे. तो शी थॉट द स्कूल दैट वाज नियर माय हाउस व्हिच वाज जस्ट हार्डली 4 to 5 minutes away from my house. She thought कि यहाँ पर ये reputed school है, pay भी अच्छी होगी, why not try here first? तो before going to the school, she came to my house. Both of us went to that school और वहाँ wait करते हुए उसके interview के लिए, I just took out Guruji स्वरूप from my wallet, जैसे कि अभी राजीव बता रहे थे, और मैंने उसको स्वरूप दिया और ऐसे यूं ही बोला माथा टेकने के लिए. एंड सिंस मेरा इवनिंग कॉलेज होता था तो आई केम बैक होम थिंकिंग कि यहाँ बहुत टाइम लगेगा. अराउंड 12:31 व्हेन आई वाज अराउंड 12:30 और 1 व्हेन आई वाज टू गो टू माय कॉलेज, आई रियलाइज्ड अपना सामान पैक करते हुए कि मेरे वॉलेट में तो मेरा वो गुरुजी वाला स्वरूप है ही नहीं है. एंड आई कुड ओनली रिकॉल कि वो मैंने लास्ट उसको स्वरूप दिया था माथा टेकने के लिए, उसके बाद क्या हुआ, माय माइंड वाज टोटली ब्लैंक. एंड बीइंग वेरी पोजेसिव आई थॉट कि मैं तो सबसे पहले जाके स्कूल में चेक करूं कहीं गिर तो नहीं गया, वो तो गुरुजी ने ब्लेस करके मुझे दिया था. आई वेंट टू द स्कूल एंड शी वॉज जस्ट कमिंग आउट. That was around 12:31, around 1 o'clock in the afternoon. And the first thing I asked was, "My mera Guruji wala swaroop tere paas hai?" And she said, "Yes." She was having it. Aur usne mujhe diya swaroop wapas. Sach poochiye, meri jaan mein jaan aayi ki thank God mera swaroop mujhe wapas mil gaya.
I casually asked her, where is the, is she going to the other school to appear in the interview? And she said, it's more than half an hour away. और उसके पास कोई कन्वेंस नहीं थी, तो उसने सोचा कि कन्वेंस लेके मैं इतनी दूर जाऊंगी, सुबह 10 o'clock की इंटरव्यू स्टार्ट हुई हुई है, वहां तो इंटरव्यू निकल चुकी होगी, सो इट वुड बी वेस्टफुल एक्सरसाइज. एज गुरुजी हैड प्लान्ड इट, हर अदर स्कूल टर्न्ड आउट टू बी नियर माय कॉलेज. इट वाज जस्ट 2-3 minutes अवे फ्रॉम माय कॉलेज. And I was going to the college at that point of time. So I just asked her if I could drop her there. तो उसने बोला ठीक है, if you are going that side, then I'll come along with you. अगर interview निकल गई हुई तो I'll go back home. I dropped her there. I went to my college in the evening when I called her up. She said, the moment you dropped me there, after 5 minutes, my name was called. And all the candidates who were sitting there started whispering amongst each other कि हम यहाँ सुबह 10 बजे से बैठे हैं. There were many candidates there because that was a government-aided school which we didn't know. और हमारा number नहीं आया. And this girl, she has just now come. That means she was aware कि इसका number इतने बजे call होगा या इसका name इतने बजे interview के लिए call होगा. और इसके आते ही 5 minutes में इसका name call हो गया. And that very day, she got selected. Very good pay because it was a government-aided school. And all those sitting outside thought ki iski bahut badi approach hai. And then both of us were laughing in the evening ki jiski approach Guruji ho, Guruji se badi to koi approach nahi ho sakti. Then I realized actually it was Guruji's plan. Agar mera swaroop uske paas nahi raha, agar Guruji ka swaroop जो मेरे पास था वो उसके पास नहीं रहा होता, तो शायद वो इंटरव्यू दे के लिए जाती ही नहीं उस स्कूल में, वहीं से मुड़ जाती. गुरुजी प्लान्स एवरीथिंग. एंड नॉट ओनली दैट, गुरुजी प्लान्ड हर वेडिंग वहीं पर. उसको उसकी कुलीग, हर कुलीग लाइक्ड हर फॉर हर ब्रदर. Today she is permanently settled in Canada and very well settled. This was in early 2000. Lekin usne aaj tak, I mean till 2007, usne Guruji ke physical form mein darshan nahi kiye the. Guruji has his unique ways of blessings and his ways are out of the world. Kuch cheeze jo hum soch hi nahi sakte. And he loves all of us equally. My mom, all these years, जब first time गुरुजी के दरबार गए थे तो मैं, मामा और मेरे मासी गए थे. And the moment we entered, गुरुजी said, my mom and मासी पहले आए, अंदर गए और पीछे मैं थी. तो गुरुजी बोल दे, आ गई हैं, लड़ो लड़ो पहनो, पागल होने का डर. And both of them were so shocked. What is this? And my Masi said, nahi, nahi. She thought ki, because both of them were sisters, so she said, nahi, nahi, Guruji, asi nahi lad diya. And then when they sat there for some time, they realized ki lado lado pehno. I don't know if he used pehno or BBO. I don't know which word he used. He said, they realized, because my mom is a lawyer, so LLB's full form is Lado Lado BBO. And my Masi was PhD. So that was Pagal Hone Ka Dar. And they, both of them thought ki shayad Mama Ji ne unko bataya hoga. And when they came back, they asked ki kya aapne bataya tha Guruji ko about our qualification, about us. So he said, no, meri to baat bhi nahi hui. And they were surprised. How did he know? All those years, my mom used to say कि सबको गुरुजी की fragrance आती है. मेरे को कभी भी fragrance नहीं आई. Last year, during the second wave, she got COVID. She was COVID positive. और उस समय जब उनको hospitalize किया गया, मेरे brother ने कभी सत्संग नहीं किया था, तो
ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म पर उसको सत्संग के लिए इनवाइट किया गया और एक महीना पहले ही गुरुजी ने, जिस दिन मेरे मॉम ने एडमिट होना था उसे नेक्स्ट डे की डेट फिक्स करवाई सत्संग की. दैट टाइम वन मंथ प्रायर टू दैट ही वॉज नॉट अवेयर दैट वन मंथ आफ्टर दिस माई मॉम आर मॉम वुड बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल. ही वॉज वेरी इमोशनल. ही सेड दीदी मैं ये नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ही वॉज नॉट इन द सिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ही वॉज अवे फॉर सम कोर्स. मैंने बड़ा उसको तसल्ली देकर कि अच्छा नहीं लगता है, यू मस्ट डू इट एंड यू नेवर नो गुरु जी के ब्लेसिंग देने का क्या तरीका है. उसको कन्वेंस करके उसने सत्संग किया. उसने सुबह सत्संग किया और आफ्टरनून में माय मॉम कॉल्ड मी अप. वन डे प्रायर टू दैट मामा वाज इन वेरी बैड शेप. ब्रदर तो डॉक्टर है तो इसलिए उसको मालूम था कि मामा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है एंड ही डिडंट नो कि वो रिकवर कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे. और उनकी सारी की सारी जो वैल्यूज थी, उनकी सीआरपी एंड ऑल अदर वैल्यूज सब बहुत खराब थी. एंड डॉक्टर्स टोल्ड अस कि दे विल हैव टू ऑब्जर्व हर फॉर अ डे और सो और उसके बाद ही पता लगेगा कि किस साइड पर ट्रेंड जा रहा है. द वेरी डे उसने सत्संग, गुरुजी ने उससे सत्संग करवाया, आफ्टरनून में मामा ने जो मास्क, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दी जा रही थी बिकॉज उनका ऑक्सीजन लेवल लो था, जो उनको आउटसाइड सपोर्ट मिल रही थी, जो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था उसमें से उनको फ्रेग्रेंस आ रही थी. एंड माई फादर जो ऑल दीज ईयर्स ही वॉज इन डिनाइल मोड, मान नहीं रहे थे गुरुजी को, उनको उनके N95 मास्क में से फ्रेग्रेंस आ रही थी. दो दिन उनको मामा को उधर जो ऑक्सीजन उनके लगी हुई थी, बाहर से आउटसाइड ऑक्सीजन दी जा रही थी उसमें से फ्रेग्रेंस आ रही थी, और दो और इधर घर में पापा को N95 में से फ्रेग्रेंस आ रही थी. एंड इवन माई फादर वॉज सरप्राइज्ड. आई आस्क्ड हिम कि आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर से ऊपर हो गया है ये मास्क पहनते हुए रेगुलरली N95 मास्क, तो आपको पहले कभी फ्रेग्रेंस आई? ही हिमसेल्फ वाज सरप्राइज्ड. ही सर मुझे कभी ऐसी फ्रेग्रेंस पहले नहीं आई. एंड माय मॉम वाज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर फ्यू डेज एंड शी वाज डिस्चार्ज्ड. एंड जस्ट सी, वही जो गुरुजी को मानते नहीं थे, गुरुजी के दरबार में शुक्राना करके आए बाहर से. And after 20 days, my mother-in-law got COVID positive. And again, I was there in Jalandhar. So now this time, my father used to tell me ki Guruji ke darbar se matha tek ke jana, uske bina nahi jana. Thank you, Guruji. Thank you for everything. And thank you for always being there. Sab par apni kripa banai rakhiye. खूब ढेर सारा प्यार दीजिए सबको. वी ऑल मिस हिज फिजिकल फॉर्म बट ही इज ऑलवेज देयर अराउंड ईच वन ऑफ अस. और हमें इस लायक बनाइए कि हम हमेशा आपकी प्रेजेंस महसूस कर सकें. हमें इस लायक बनाइए कि हमें आपका ढेर सारा प्यार हमेशा मिलता रहे. थैंक यू वेरी मच. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी.